बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आई होप आप भी खैरियत होंगे। हम कर रहे हैं MTS 202 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जिसका इलाज स्टार्ट करेंगे M20, जिसमें हम पढ़ेंगे डिफाइन सीरीज़ की, और अब पढ़ेंगे उसके बाद एप्लीकेशन और थोड़ी सी एक्सरसाइज इसमें करेंगे हम, और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, और थ्योरम थोड़ा बहुत इसमें थ्योरम के बारे में हम पढ़ेंगे कि कोई भी थ्योरम अगर आ जाता है तो इसकी एप्लीकेशन क्या होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन लाजमी प्रेस करिएगा, क्योंकि अगर ना भी करेंगे ना तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी की पूरी कंप्लीट सीरीज़ यहाँ से मिलने वाली है आपको। पूरा चैनल आप विज़िट करके देख सकते हैं, आपको लेक्चर्स मिलेंगे MTH 101 का, MTH 301, MTH 202, ST 301, ठीक है, और फ्री लॉन्चिंग के और ट्रिक्स, छोटे छोटे हम ट्रिक्स देते हैं वो आपको मिलेंगे। मतलब कि एक पूरा हमारा ये प्लेटफॉर्म है, ना कि एक यूट्यूब चैनल, यू अंडरस्टैंड। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज़ क्या होती है। सीक्वेंस, सीक्वेंस का जो सम होता है ना, सीक्वेंस की टर्म्स का जो सम होता है वो आपके पास सीरीज़ होती है। वो क्या होती है? सीरीज़। आपके हैंडआउट्स के ऊपर ये डेफिनेशन उसने लिखी हुई है, यू अंडरस्टैंड। सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़, यू अंडरस्टैंड। A1, A2, A3 अप टू सोन क्या था आपके पास? An था। उनका सबका सम कर दिया, आपके पास सीरीज़ बन गई, और सम फॉर्म में लिख दिया K=1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और AK यहाँ पे आप वैल्यू लगाते जाओगे तो आपके पास A1, A2, A3, A4, A5 आता जाएगा, यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है समेशन नोटेशन। समेशन नोटेशन क्या कहती है आपके पास? K=1 से K=M से लेकर N तक AK। अब K क्या होता है आपके पास? यहाँ से K होगा इंडेक्स, और M होगा लोअर लिमिट, और n हो गया आपके पास अपर लिमिट, यू अंडरस्टैंड। ये याद रखिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कंसेप्चुअल बनाते हैं, वो क्या आपके बनाते हैं? जहन बनाते हैं, सबसे बेहतरीन बनाते हैं, दूसरों से बेहतरीन बनाते हैं, यू अंडरस्टैंड। हर एक इंसान का अपने अपने आप के साथ कंपटीशन होना चाहिए, यू अंडरस्टैंड, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। कंप्यूटिंग समिशन, कंप्यूट करना है समिशन को आप कैसे करेंगे, अब ये हम सीखेंगे। एक ही एग्जाम्पल मैं बहुत अच्छे से करवा लेता हूँ, बाकी दो एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है, यू अंडरस्टैंड ना। देखो ज़रा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास इस तरह का क्वेश्चन दिया गया है जी, ये वाला सम ऑफ i=0 से लेकर 4 तक और ai, इसे आपने कंप्यूट करना है। वैल्यू दी गई आपके पास a0, a1, a2, a3 की और a4 की। आपने क्या करना है? गिवन आपके पास जो समीशन दिया गया वो कहाँ से आपने लिखना शुरू करना है, इसका मतलब है सम, इसका मतलब है प्लस। आपने क्या करना है? आई की जगह पे ज़ीरो लगा देना है। क्या करना है? आई की जगह पे ज़ीरो लगा देना है, तो आपके पास आएगा a0 a0, फिर सम का मतलब है प्लस, आगे प्लस लिखकर आपने आगे क्या करना है? वन लगाना है, मतलब कि 0 1 2 3 4 तक आपने जाना है, ठीक है। a0 a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, सारी वैल्यूज़ आपको गिवन दी जाएंगी पेपर में, जिस तरह यहाँ पर दी गई हैं। समझ लगी बात की? क्लियर है? देखें, आपकी सपोर्ट जो है ना हमें यहाँ पे लेके जाएगी, और लेकर गई भी है। अब आपकी दुआएं चाहिए, और वो दुआएं आपने लाजमी करनी है हमारे लिए, ठीक है। जब भी मैं यूट्यूब पर यहाँ पर लेंस के सामने खड़ा होता हूँ, तो वो जो सरदार तनसीर अहमद होता है ना क्लास में खड़ा होता, जो वो नहीं होता, एक अपने अंदर एक बहुत ज़्यादा पावर लेकर आनी पड़ती है दुनिया के सामने आने के लिए, कैमरे के सामने आने के लिए। यहाँ पर आसान नहीं है, इजी नहीं है लेक्चर देना, तो बस ये आपकी दुआओं की वजह से है, बड़ों की दुआओं की वजह से है, माँ बाप की दुआओं की वजह से है, कि हम लेंस के सामने, मैं लेंस के सामने खड़ा होकर ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मुझे कोई प्रेशर ही नहीं है, तो ये सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से है। चलें, पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी आपने, तो आप वैल्यू जब पुट करोगे ना, तो 2, 3, -2 और +1 और a4 की इतनी वैल्यू आपके पास है 0, ठीक है ना। तो सारा सॉल्व करोगे आपके पास 4 आएगा। इसी तरह रिमेनिंग जो 2 पार्ट्स हैं वो खुद आपने करने हैं, कर सकते हैं ना, कर लेंगे, और वो ईजी हैं वैसे भी, आप आराम से कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट्स अगर हम आगे बात करते हैं, तो आपके पास एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं करने लगा हूँ, 1 आप खुद करिएगा। सबसे पहले देखें, आपकी जो लोअर लिमिट है वो है -1 और अपर है 1, मतलब -1 से आपने 1 तक जाना है। तो इट मीन के आप क्या करिएगा,
आप करेंगे ऐसे कि माइनस वन से ज़ीरो और फिर ज़ीरो से वन। इसका मतलब आपने ये नंबर पुट करने हैं जहाँ पे k है। माइनस वन की पावर तीन आ जाएगी प्लस टू, एज इट इज़ कॉन्स्टेंट वैसे आ जाएगा। ज़ीरो की पावर थ्री प्लस टू, वन की पावर थ्री प्लस टू, ठीक है। तो माइनस वन की पावर थ्री ऑड नंबर है, माइनस वन की पावर ऑड हो तो वो क्या होता है, माइनस वन ही आता है। प्लस टू एज इट इज़ आ गया, ज़ीरो की पावर थ्री ज़ीरो ही आ जाएगा और ये वन ही आ जाएगा। सबको एडअप करोगे आपके पास सिक्स आ जाएगा। अब है जी समेशन नोटेशन टू एक्सपेंडिंग फॉर्म, मतलब कि एक्सपेंड करके फॉर्म में लिखो कि किस तरह की फॉर्म आपके पास बनेगी। इसे एक्सपेंड करें, एक्सपेंड करेंगे और मज़ीद इसमें क्या करेंगे कि जहाँ पे आई है वहाँ पे हम अपने पास से एम या एन या कोई भी वेरिएबल नया इंट्रोड्यूस करवा देंगे आई की जगह पे, लास्ट वाली टर्म पे, ठीक है, लास्ट वाली टर्म पे। अब देखो क्या करना है, अब जहाँ तक मर्ज़ी एक्सपेंड कर सको आपकी मर्ज़ी है। इसने क्या किया है, ज़ीरो वन टू और थ्री तक एक्सपेंड किया हुआ है। जहाँ पे आई है वहाँ पे पहले ज़ीरो लगा दिया, फिर वन लगा दिया, फिर टू लगा दिया, फिर थ्री लगा दिया और दरम्यान में प्लस लगाता गया क्योंकि सम है। प्लस अप टू सोन करके फिर उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस करवा दिया एन को और नीचे भी एन लगा दिया। यहाँ पे माइनस वन की पावर एन आ गई, नीचे भी आ गई एन प्लस वन आ गई। समझ लगी ना बात की। अब इसे सॉल्व किया, किसी की पावर ज़ीरो क्या होती है, वन नहीं होता है, वन बाई वन आ जाएगा, ये माइनस वन ही आ जाएगी और ये प्लस का वन आ जाएगा और डिवाइड बाई थ्री आ जाएगा और ये फोर आएगा और ये माइनस का वन आ जाएगा। समझ लगी ना बात की, यही उसने सोल्व करके लिख दिया। यू अंडरस्टैंड, समझ लगी। ये है जी एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी बी सीरीज़ को जब आपने एक्सपेंड करना होता है, लास्ट पे आपने इंट्रोड्यूस करवाना होता है नया वेरिएबल एम या एन। यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, इसे आपने गौर से देख लेना है कि किस तरह ये एक्सपेंड किया गया है। जी अभी हम उलट करने वाले हैं, क्या करेंगे कि एक्सपेंड जो आपके पास फॉर्म थी ना उसकी हमने इंफॉर्मेशन नोटेशन बनानी है, ठीक है। तो देखो ज़रा करना क्या है, सबसे पहले आपके पास एक सीरीज़ है गिवन, तो आपने अप के लिए काम करना है, फिर डाउन के लिए काम करना है। अप के लिए आप देखना है कि कंसिडर फॉर अप टर्म, ठीक है ना। अप वाली जो टर्म है ये वाली सारी समझ लें कि टर्म्स लिखी हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। तो वन टू थ्री अप टू सोन एन प्लस वन, एन प्लस वन, तो देन ए इक्वल टू वन आ गया और इसका डिफरेंस निकालो तो टू माइनस वन तो क्या आएगा, वन आएगा। अगर थ्री माइनस टू करें तो फिर भी वन आएगा। इसका मतलब है विच इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। वी नो डैट अर्थमेटिक सीक्वेंस है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस के अंदर एन यूज़ किया गया है, तो आपने एन की जगह पर अब के लगाना है। क्या लगाना है, के। ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन इंटू डी, पुटिंग वैल्यूज़। ए के वैसे ही आ गया और ए की वैल्यू वन थी और k माइनस वन आ गया और d की वैल्यू यहाँ पे आ गई वन। तो इट मीन यहाँ से आपके पास जो निकलेगा ना, एक k की जो टर्म निकलेगी वो निकलेगी ओनली k। इट मीन के आपके पास ये वाली जो अप वाली टर्म है ना, ये वाली टर्म्स हैं, तो इसका जो आंस आया वो आया k। क्या आया, k। अब नीचे वाले का जो है ना आंस हम निकालेंगे डाउन के लिए। यू अंडरस्टैंड, डाउन के लिए भी सेम ऐसे ही हम सॉल्व करेंगे जी। अब डाउन की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखें जरा हम डाउन के लिए क्या करेंगे, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है ना, कॉमा और n प्लस टू अप टू सॉन टू एन ले लेंगे, ठीक है। समझ लगी ना बात की। तो a आपके पास आएगा n, फर्स्ट टर्म आएगी और इस तरह d निकाल लेंगे। आप फर्स्ट टर्म को माइनस करोगे दूसरी टर्म में से, तो देखो ज़रा n प्लस वन में से n माइनस करोगे, n से n कैंसिल वन आएगा, तो विच इज़ ए पी, ठीक है। तो देन आप वही फॉर्मूला लगाओगे, वही नो डैट फॉर्मूला लगाने के बाद आप क्या करोगे, ए के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन टू डी, पुटिंग वैल्यूज़। तो आपके पास आंसर आएगा एन प्लस के माइनस वन। नाउ फॉर के टर्म, अब दोनों को कंबाइन कर देना है। ए के इज इक्वल टू, ऊपर जो आंसर आया था वो क्या आया था आपका, ए के का के आया था और नीचे क्या आया था आपका, ये वाला एन प्लस के माइनस वन। दोनों को डिवाइड कर देना क्योंकि डिवीजन में था ना अप एंड डाउन, ठीक है ना, बटा था आपके पास, तो दोनों को आपने डिवाइड करके कंबाइन करके लिखना है ए के को, ठीक है। ये आपके पास टर्म आ गई के स्ट्रम, ओके। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास ये क्वेश्चन था तो आपने इसे क्या करना है, इसे आपने सम फॉर्म में लिखना था। तो यही क्वेश्चन है और सम फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये देखो ज़रा। सम फॉर्म में लिखने का तरीकाकार, के इज इक्वल टू वन से लेकर, के इज इक्वल टू वन से लेकर वन, के इज इक्वल टू वन से लेकर, वन से लेकर आपने कहाँ तक जाना है, के इज इक्वल टू वन से लेकर आपने जाना है एन प्लस वन, एन प्लस वन तक, एन प्लस वन तक, ये आपने ऊपर लिख दिया, ठीक है, एन प्लस वन और सम बना दिया और देन जो आपकी जो टर्म निकाली ना आपने केथ, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है,
तो आपके पास ये सम फॉर्म बन जाएगी। लेकिन इसकी अल्टरनेट ये भी लिखी हुई है, अल्टरनेट भी आपने फॉलो कर लेनी है। वो कैसे है, तो आपने क्या करना है अल्टरनेट के लिए, ये देखो ज़रा, आपने यहाँ पे लिखना है k इज इक्वल टू ज़ीरो, k इज इक्वल टू ज़ीरो, ऊपर से ये देखो आपने k इज इक्वल टू ज़ीरो पे चले गए, एक पीछे चले गए, तो इसमें से एक काम कर देना है। तो इसमें से एक काम करोगे, जब एन प्लस वन, एन प्लस वन माइनस वन, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ओनली एन आ जाएगा। तो देन आपने ऊपर एन लिखना है, एक पीछे चले गए ना आप, ठीक है ना, एक आप पीछे चले गए, देखो ना वन है, तो वन के बाद यहाँ पे आएगा ज़ीरो, फिर आएगा माइनस वन, ठीक है ना। तो देन आपने क्या करना है, के इक्वल टू ज़ीरो से लेकर एन तक। अब ये के, के में से एक कम नीचे है बटे में, तो अगर आप लिखो यहाँ पे के प्लस वन, के प्लस वन ऊपर लिखो, तो नीचे उसमें से एक कम, ठीक है ना, ये याद रखना, ये पॉइंट है यहाँ पे। दोबारा फिर रिपीट करने लगा हूँ, के माइनस वन मतलब कि एक कम है, के में से एक कम है बटे में लिखा हुआ है, अगर आपने के प्लस वन ऊपर लिखा है तो नीचे आएगा के ओनली, याद रखिएगा। अगर आप ऊपर लिखते हैं ना के प्लस टू, तो नीचे लिखना पड़ना था आपको के प्लस वन, एक कम, ठीक है ना, याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मिंग की बात हो रही है, आगे किसकी बात हो रही है, ट्रांसफॉर्मिंग। अगर ट्रांसफॉर्मिंग को आप गौर से देखें तो इसका मतलब क्या है कि आपने ट्रांसफ़र करना है किसी, आपने असल ओरिजिनल वेरिएबल को आपने किसी फर्जी वेरिएबल के साथ ट्रांसफ़र करना है, मतलब चेंज करना है, ठीक है ना, रिप्लेस करना है। तो इस तरह के वेरिएबल को सम फॉर्म में, इस तरह के वेरिएबल को डमी वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं, डमी वेरिएबल, यू अंडरस्टैंड ना। तो देखो ज़रा, असल में ओरिजिनल आपके पास वेरिएबल था के, आपने रिप्लेस किया उसकी जगह पे आई, फिर आपने किया आई की जगह पे एक्स, तो ये एक्स और आई जो है ना, ये आपके पास हैं डमी वेरिएबल। कौन से हैं, डमी वेरिएबल, समझ लगी है, याद रखिएगा, ये हमारे पास हैं डमी वेरिएबल। और डमी वेरिएबल का मतलब होता है आपके पास फर्जी वेरिएबल, ठीक है ना, फर्जी वेरिएबल्स, ओके, याद रखिएगा कि ऐसे वेरिएबल्स जो आपने फर्ज किए हों, सपोज किए हों, लेट किए हों, अंडरस्टैंड, याद रखिएगा कि कोई भी सम अगर आपके पास वो पेपर में आ जाता है, तो मोस्टली वो पेपर में पूछता भी है कि ये जो सम है वो इसके बराबर हो सकता है, इसके इक्वल हो सकता है, हो सकता है, वेरिएबल से फ़र्क नहीं पड़ता, आंस तो आपके पास वही आना है ना, आंस देखो ज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल वन का स्केयर, टू का स्केयर, थ्री का स्केयर, वन फोर नाइन, कितना आया ये, फोर्टीन, तो यहाँ से भी फोर्टीन आना है, यहाँ से भी फोर्टीन आना है, फ़र्क तो नहीं ना पड़ा सम के ऊपर, तो डमी वेरिएबल, फर्जी वेरिएबल है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमने एम टी एच 101 में भी डमी वेरिएबल पढ़े थे, इंटीग्रेशन में, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेंज ऑफ वेरिएबल की बात करने लगे हैं, छोटी सी आपके पास एग्जाम्पल है वो देखते हैं हम। सबसे पहले देखें जरा, आपके पास है जी एक लिमिट है, आपके पास अपर लिमिट है k इज इक्वल टू 1 से लेकर है जी n प्लस 1, ठीक है, k ओवर n माइनस 1 प्लस k, इसका नाम आप 1 कह दीजिएगा, ठीक है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले k को आप पुट करें j प्लस 1, ये अपने पास से पुटिंग की है, सब्स्टिट्यूशन की है, देन यहाँ से j की वैल्यू निकालो, j की वैल्यू क्या निकली, k माइनस 1। अब देखो वैन, जब k 1 होगा, जब k क्या होगा, 1 होगा, तो देन आपके पास j का आंसर क्या आएगा, ये देखो ज़रा, यहाँ पे 1 लगाओ, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0, तो j 0 आएगा, j क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है, दिस इंप्लाइज डैट j इज इक्वल टू 0, ओके। फिर बाद में वैन k जब होगा n प्लस 1, क्या होगा, n प्लस 1, तो देन j क्या आएगा आपके पास, देन j आएगा, j इज इक्वल टू n आएगा, कैसे, देखो ज़रा, जहाँ पे आपके पास k है वहाँ पे n प्लस 1 लगा दो, और यहाँ पे माइनस 1 है, कट जाएंगे, और आपके पास j इज इक्वल टू n आ जाएगा, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। अब सारा कुछ पीछे लगा दें, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन 1, ठीक है ना, सबसे पहले k की जगह में k प्लस 1 लग गया, और लिमिट जो है वो देखो ज़रा, लिमिट आपकी j इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक चली जाएगी, j इज इक्वल टू 0 से लेकर, j इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, ठीक है, और नीचे भी आपने वैल्यू लगा दी, लें जी, ये आपका चेंज ऑफ वेरिएबल आ गया। दोबारा फिर आप क्या करें, j की जगह पर आप दोबारा k लगा दें, n प्लस k, और ऊपर आ जाएगा k प्लस 1, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। ये चेंज ऑफ वेरिएबल है, किसी भी वेरिएबल को आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हो, लिमिट्स यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है जी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ समिशंस, प्रॉपर्टीज़ ऑफ समिशंस, देखें ज़रा करना क्या है, अगर दो सीरीज़ का सम है आपके पास, तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो, यू अंडरस्टैंड, देखें ज़रा, दोनों प्लस हो रही हैं और सम अप्लाई हो रहा है दोनों के ऊपर, तो आप अलग अलग करके लिख सकते हो, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इसी तरह ही अगर हम बात करें कि अगर कॉन्स्टेंट आ जाए सीरीज़ के अंदर,
तो कांस्टेंट स्टार्ट पे चला जाएगा और वो जो सम है वो अप्लाई हो जाएगा सीरीज के ऊपर, ठीक है ना, समझ लगी बात की। इसी तरह अगर हम बात करें, आपके पास इस तरह की टर्म आ जाए के प्लस वन, लेकिन ऊपर कैसी आ गई टर्म और नीचे ए माइनस आई बी माइनस आई। अब माइनस आई और माइनस आई दोनों कट जाएंगे आपस में और अंडरस्टूड यहाँ से आई भी कट जाएगा, ये याद रखिएगा। आगे आगे इसका हम सारा फर्दर जो है ना एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे इसके बारे में, क्वेश्चन इसके करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने इसकी प्रॉपर्टी आपने देखनी है कि इसका आंसर आना चाहिए के इज इक्वल टू ए से बी और ओनली के आना चाहिए, ओनली के आना चाहिए, यू अंडरस्टैंड। देखो जरा सबसे पहले कहाँ पर किया हुआ है, ये देखें जरा, ये मैंने किया हुआ है, ओके समझ लगी बात की। तो इसी की मैंने एग्जांपल भी ऐसे, ये एग्जांपल इस तरह की दे सकता है, ए और बी के जगह पे कोई भी कांस्टेंट लिख सकता है, और ये के प्लस वन है तो देन लिमिट्स देखो, अगर प्लस में आ जाए बी प्लस आई ए प्लस आई फिर के माइनस आई आ जाएगा, फिर भी यही ही इम्प्लीमेंट होगा, यू अंडरस्टैंड, समझ लगे बात की। अब अगर आ जाए कांस्टेंट, कांस्टेंट का सम आ जाए कांस्टेंट का, तो ये एन इसके साथ अप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन सी, एन सी 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 एन टाइम, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं एन इंटू सी, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी बात की। इसकी एग्जांपल छोटी सी देख लो, के इज इक्वल टू वन से लेकर टेन तक है तो टेन और फाइव दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितना आ जाएगा आपके पास फिफ्टी, यू अंडरस्टैंड। इसका मतलब है कि कांस्टेंट का जो सम आएगा वो हमेशा हमारे पास क्या आएगा एन सी आएगा, एन जो होगा ना अपर लिमिट होगी, जो अपर वो मल्टीप्लाई हो जाएगी आपके कांस्टेंट के साथ, देखो अपर लिमिट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट कितना आ गया 50, यू अंडरस्टैंड, याद रखिएगा जी। आगे आपके पास एग्जांपल है, उसे आपने सिंपलीफाई करना है, प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है आपने समीशन की और आगे देखना है कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं, देखिए जरा सबसे पहले कांस्टेंट बाहर पड़ा हुआ है, कांस्टेंट अंदर लेके चले जाओ, यहाँ पे चला जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना कांस्टेंट, अगर यहाँ पे लिखा है बाहर लेके आ सकते हो तो आप अंदर लेके जा सकते हो, ठीक हो गया। अब सम सेम है दोनों, दोनों सम सेम है तो आपने कॉमन निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है कॉमन बाहर निकाल लेना है, जैसे आपने अंदर अप्लाई किया था वही वैसे ही आपने बाहर निकाल लिया। अब तीन को मल्टीप्लाई करो, दो तीन छः के माइनस तीन तीन नौ फोर माइनस फाइव के वैसे आ जाएगा। अब सिक्स के में से माइनस फाइव के एक के रह गया, अब माइनस का नाइन प्लस का फोर कितना आ गया माइनस का फाइव, ठीक है समझ लगी ना बात की, ओके। अब आप सम अप्लाई कर दें अंदर, के ऊपर अलग से कर दें और कांस्टेंट के ऊपर अलग से कर दें, कांस्टेंट वाली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगा फाइव एन, फाइव एन कांस्टेंट है ना, सी वाली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ साइड पे, ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी, तो ये हमारे पास आंसर आया था एन सी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एन फाइव, ठीक है, यहाँ फाइव एन, ठीक है ना, समझ आ गई ना बात की। ये एन इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई और ये वैसे एज इट इज वैसे आ जाएगा, ये आपकी एग्जांपल हो गई, ओके ध्यान से करिएगा। आगे हम देखते हैं क्या आपके पास है जी। स्टूडेंट्स अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है अर्थमेटिक सीरीज, बेसिकली ये सम होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ये याद रखिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है सम ऑफ अर्थमेटिक टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। फॉर एग्जाम्पल आप ये चेक कर लें कि वन थ्री फाइव बेसिकली एक सीक्वेंस है, कौन सी सीक्वेंस है जिसमें आपके पास, देखें ज़रा गौर करें, जिसमें एक ऐसा इंटरवल आ रहा है जो कि सेम इंटरवल है, कॉमन डिफरेंस चेक कर लो टू आ रहा है, तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है ना, जिसका जो डी आ रहा है वो टू आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हमने ये देखना है कि आया कि ये सीरीज़ कैसे बनेगी। अब देखें कॉमा हटा दें, उसकी जगह में प्लस प्लस लगा दें, क्या कर दें प्लस प्लस लगा दें, तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीरीज़ बन जाएगी। पहले क्या थी अर्थमेटिक सीक्वेंस, अब इसे जनरल में हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ए प्लस थ्री डी, हम जानते हैं कि ये एक सीक्वेंस है, कौन सी अर्थमेटिक, ठीक है। अब देखो ज़रा इसी कॉमास को अगर हटा दिया जाए दरमियान से, ठीक है, तो प्लस लगा दिया जाए तो ये बन जाएगी अर्थमेटिक सीरीज़, यू अंडरस्टैंड। फार्मूलाज़ हैं, फार्मूलाज बड़े सिंपल से तरीके के साथ मैंने लिखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थमेटिक सीक्वेंस की, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, तो उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है, देखें ना ज़रा ये आसा आसा यहाँ से पहले 1D था 2D 3D फिर आसा आसा क्या बन गया n माइनस 1D। यहाँ पे क्या लिखा होता है, अगर 1 लिखा होता है यहाँ पे क्या लिखा होता है, बल्कि 2 से ये स्टार्ट, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास A1D। इसी तरह अगर हम बात करें अर्थमेटिक सीरीज़ की, अर्थमेटिक सीरीज़ का फॉर्मूला क्या बनेगा इन जनरल फॉर्म, एन बाई टू इंटू टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी होल की ब्रैकेट लगा देनी है, यू अंडरस्टैंड, और एस एन के साथ डिनोट करना है सीरीज़ को और आपकी जो सीक्वेंस है उसे ए एन के साथ शो करना है, यू अंडरस्टैंड, समझ आ गई बात की। आगे हम डिस्कस करते हैं इसे
जी अगर हम आगे बात करते हैं तो आपके पास है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक से लेकर वगैरह 1, 2, 3 अप टू सोन एन तक जो टर्म्स हैं ना उनका सम करो कितना आता है, ठीक है। एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू ये आता है, लेकिन हम ये प्रूव करके देख लेते हैं, ठीक है। ये प्रूफ भी आ सकता है पेपर में कि आप प्रूव करो कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो है ना वो एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू के इक्वल होते हैं। ये प्रूव इस तरह आपने कर देना है, ठीक है। देखिए जरा, सबसे पहले करना क्या है, आपने करना ये है कि सिंस गिवन 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सोन एन तक, ठीक है। तो सबसे पहले ए वन किसके इक्वल होगा, पहली टर्म ए वन, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है, 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 या 4 माइनस 3, मतलब कि आगे वाले टर्म में से आपने फर्स्ट टर्म आपने माइनस कर देनी है, दूसरी टर्म में से फर्स्ट टर्म या आपने तीसरी में से दूसरी माइनस कर देनी है, या आप चौथी में से तीसरी माइनस कर देनी है। लो जी, वी नो डैट, सीरीज़ का फॉर्मूला लगा देना आपने, क्योंकि सीरीज़ है ना, देखो ज़रा, ये फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फाइंड द सम, सम की बात हो रही है, तो सम ऑफ एनी सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, ओके। तो पुटिंग वैल्यूज, सबसे पहले फॉर्मूला लगाया सीरीज़ का, पुटिंग वैल्यूज। अब आपने करना क्या है, एन इज इक्वल टू एन ही है, बाकी ए वन की जगह पे आपने वन लगा दिया, डी की जगह पे आपने वन लगा दिया, ठीक है। तो अंदर आएगा आपके पास 2, 2 + 2 प्लस एन माइनस वन, दो में से एक निकालेंगे तो एक ही आएगा। तो देन देखें ज़रा, एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। अब हम चेक कर लेते हैं कि अगर एक से लेकर 10 नंबर हैं तो उनका सम कितना आता है आपके पास। देखो ज़रा, एन की जगह पे आप 10 पुट कर दें इसी फॉर्मूले में, 10 इंटू कितना आ जाएगा 11, तो डिवाइड बाई 2 है, ये कट जाएगा इसके साथ, तो यहाँ से आएगा 5, 5 मल्टीप्लाई होगा तो 55। अब अगर इसी तरह हम 100 की बात करें तो 100 के लिए आपके पास आएगा 50, 50, आप चेक कर लीजिएगा 50, 50। ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, ऐसे ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है, अच्छे से करिएगा, ठीक है। और खुद जो ना चेक कर करके देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये वाली, और मुश्किल तरीन एग्जाम्पल है ये वाली आपकी इस लेक्चर की, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से डिलीवर कर सकूँ, ठीक है जी। चलें करते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर्स। 2 डिजिट, सबसे छोटा जो 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर होता है ना, सबसे छोटा वो होता है 10, कितना होता है 10, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, माइंड में रखिएगा। विच आर नेदर डिविजल बाय 5, ना वो 5 पे डिवाइड हो नॉर बाय 2, और ना ही वो 2 पे डिवाइड हो, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 तो 5 पे भी डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, 10 कैंसल, 10 की बात नहीं करनी। अब 10 के बाद आप बात करें तो वो 11 है आपके पास, कौन सा है, 11। अब 11 जो ऐसा नंबर है जो ना तो 2 पे डिवाइड होता है और ना 5 पे डिवाइड होता है, ये आपका पहला नंबर आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें 12 की, तो वो 2 पे डिवाइड होता है। 13 की बात करें, ठीक है, वो दोनों पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है, 13 आ गया। फिर आप अगर 15 की बात करें, 5 पे डिवाइड होता है। 16 की बात करें, 2 पे डिवाइड होता है। तो 17 जो है ना वो दोनों पे डिवाइड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद 18 की बात करें, 2 पे डिवाइड होता है। फिर 19 आ गया, ठीक है, दोनों पे डिवाइड नहीं होता। फिर 20 जो है ना वो 2 पे डिवाइड होता है, 5 पे भी डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या आएगा, 21 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, 21, समझ लगी ना बात की। अब देखो, गौर करो, 11, 13, 17, 19, अब 21 आ रहा है। अब देखो, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 21 आया है। अब यहाँ पे 13 था, यहाँ पे 23 आया है। यहाँ पे 17 था, यहाँ पे 27 आया है। यहाँ पे 19 था, यहाँ पे 29 आया है। सीक्वेंस हमें लग रही है ना, समझ लग रही बात की, आगे 31 आना है। आगे क्या आना है, 31, फिर क्या आएगा आपके पास, 33, फिर 37, 39, समझ लगी ना बात की। अब तो 91, 93, 97, 99, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी। और उसने आपको कितने गए हुए थे, विच आर नेदर डिविजिबल बाय 5 और नॉर बाय 2, समझ लगी ना बात की। अब देखो, 2 डिजिट 100 तक, 100 पे जाके 3 डिजिट हो जाते हैं। 99 जो है ना सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर है, 99 तक आपने रहना है, ओके, समझ लगी बात की। यहाँ तक आपने रहना है और इसके अंदर अंदर आपने देखने हैं कि कौन से नंबर ऐसे हैं जो 2 और 5 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, बाकी सारे आपने ले लेने, ठीक है, जो डिवाइड होते हैं वो छोड़ देने हैं, यू अंडरस्टैंड। आप देखें ज़रा, बात सुने मेरी, कि अगर डिविजिबल बाय नॉट डिविजिबल बाय 2,
नोट डिवाइड बाय 2 लिखा मैंने, नोट डिवाइड बाय 5 लिखा, ये नंबर छोड़ दिए। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 10 आता है, तो इसका मतलब 10 वाला भी जाएगा, क्योंकि 10 वाला मुश्तरका ऐसा नंबर है जो 2 और 5 दोनों पे डिवाइड होता है, तो वो भी छोड़ देना आपने। ओके, अब दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूं वो सीक्वेंस। देखें, अगर आपके पास 11 आया तो 13 है, 17, 19, ये पहली लाइन से आपको मिला ये, तो आगे देखें 21 आ रहा है, फिर 23 है, फिर 27, 29 है, 31, 33, उसके बाद 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 77, 79, ठीक हो गया, 81, 83, 83, 87, 89, 91, 93, 97, 99, यू अंडरस्टैंड। अब अगर हम 100 की बात करें, क्या बात करें, 100 की, ये तो 3 डिजिट नहीं हो गया, यहाँ पे तो हमें उसने बाउंड किया हुआ है ना ये वाला, ये देखो, तो ये नहीं होगा इसके अंदर, नहीं ये छोड़ दे। अब ये थी आपके पास सीक्वेंस, सीरीज बना लें, कॉमा आउट आ गया, आप प्लस लगा लें सबके अंदर, ठीक है ना, सबके अंदर मैंने प्लस लगा दिए, यू अंडरस्टैंड, सबके अंदर प्लस लगा दिए, लेकिन मैंने गौर किया कि मैं अगर 11 को माइनस करूँ 13 से तो मेरे पास 2 आता है, अगर मैं 13 को 17 से माइनस करूँ तो 4 आता है, तो ये कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, कभी 2 आ रहा है, कभी 4 आ रहा है, तो ये आपके पास विच इज़ नॉट अरिथमेटिक सीरीज, इसे अरिथमेटिक सीरीज बनाना पड़ेगा। पहले आपने क्या करना है, आपने ऐसे करना है कि एक एक लाइन के नंबर पकड़ लेने, एक एक लाइन के, देखो जरा ये वो लाइन है जो 11 से 20 तक की लाइन है, इनको प्लस कर देना है, ठीक है, इनको प्लस कर देना है, फिर आगे वाली लाइन को, फिर वो आगे वाली को, फिर उससे आगे वाली को, फिर उससे आगे वाली को, पहली को किया 60, फिर 100, फिर 140, प्लस अप टू 100 जब किया ना लास्ट वाली को, 91 वाली को, तो आपके पास 380 आया है। तो अब देखो 100 में से 60 माइनस करें 40, अब 140 में से 100 माइनस करें 40, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना बात की, तो इस तरह आपको पता चला कि ये अर्थमेटिक सीरीज बन गई है, अब इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, यू अंडरस्टैंड, पहले इसके अंदर A1 और D की और N की वैल्यू निकाल लेंगे जी। उसके बाद अगर हम गौर करें तो आपके पास A मतलब कि A1 की वैल्यू, A और A1 दोनों इक्वली होते हैं, याद रखिएगा, A और A1 की वैल्यू आपके पास 60 आएगी, D कॉमन डिफरेंस आएगा आपके पास 100 माइनस 60 तो आपके पास 40 आएगा, और AN वो आपके पास टर्म होती है जो लास्ट टर्म होती है, ठीक है, तो AN इज इक्वल टू 380 और N आपने फाइंड आउट करना है। ओके जी, अब देखें करना गया है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लगाना है वही सीक्वेंस का, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D, पुटिंग वैल्यूज़ कर देंगे, AN की जगह पर आपने 380 लगा देना है और A1 की जगह पर 60 लगा देंगे, ठीक है, प्लस N माइनस 1 और D की जगह पर आपने 40 लगा देना है, ठीक है, तो देन 40 स्टार्ट पे ले गया मैं, 60 इधर प्लस हो रहा जाएगा, माइनस करवा दिया तो 320 आ गया। ओके, अब क्या करना है, 320 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 40, तो आपके पास 8 आएगा, माइनस 1 हो रहा है जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना आएगा आपके पास, n इज इक्वल टू 9। ओके, अब देखो करना क्या है, वी नो डैट आपने सीरीज का फॉर्मूला लिखना है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इन टू 2a प्लस n माइनस 1 इन टू d, ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, a प्लस ए एन अंदर ये चीज़ लिखी जा सकती है, डिवाइड बाय 2n हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसी तरह ही मैंने क्या किया जी, 2a को a प्लस ए लिख लिया, ठीक है, इतना क्या बन जाएगा, an बन जाएगा, और an की वैल्यू कितनी आपके पास है, 380 लगा दी, प्लस a की वैल्यू कितनी आपके पास है, 60, दोनों को आप एडअप करो तो 440 आएगा, और देन 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दो आपके पास, या ऐसे करो 2 पे डिवाइड कर दो इसे, तो आपके पास 220 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो आपके पास 1980 आएगा, मतलब कि 1980 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ लगी बात की, तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। अब हम करते हैं न्यू ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के ऊपर बात करते हैं, सम ऑफ उसकी सीरीज़ के ऊपर बात करते हैं, ज्योमेट्रिक की, ज्योमेट्रिक सीरीज़ की बात होने लगी है, सबसे पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस जिसमें रेशो सेम आए, जिसमें आप करें क्या कि पहले वाली जो टर्म है ना उसे दूसरी पे डिवाइड करें, तो आपके पास आम सेम आए, जैसे देखें ज़रा 1 को डिवाइड करें 2 पे, ठीक है ना, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा 2, या ऐसे करें 4 डिवाइड बाय 2 करें 2 आएगा, तो रेशो सेम आ रही है, इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, समझ लगी ना बात की। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले आपने ये देख लेना है किसी भी नंबर को डिवाइड करके, देखो ज़रा अगर इन दोनों को डिवाइड करें तो 16 डिवाइड बाय 8 कितना आएगा 2 आएगा, इन दोनों को करके देखें फिर भी 2 आएगा, तो रेशो सेम आ रही है, इसका मतलब है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये वाली, क्लियर है ये वाली बात तो। ओके,
अब क्या करना है, सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, देखो जरा कॉमास खत्म करें, दरमियान में लगा दें प्लस, तो ये सीरीज जो बनेगी ना, ये सीरीज आपके पास बनेगी ज्योमेट्रिक सीरीज। इन जनरल ए ए आर, ए आर का स्केयर, ए आर का क्यूब, ठीक है, अप टू सोन। अब करना क्या है, इसमें कॉमास खत्म किए, दरमियान में प्लस लगा दिया, तो ये जनरल में आपको समय लग जानी चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो। ऑब्जेक्टिव में मोस्टली वो इस तरह पूछता है, ये देकर पूछ लेता है, वो कहता है कि ये बताएं ये अर्थमेटिक सीरीज है या ज्योमेट्रिक सीरीज है, तो आपको समय लगी ना, जब रेशो सेम होगी तो देन ज्योमेट्रिक, अगर डिफरेंस सेम आएगा तो अर्थमेटिक। ओके, याद रखिएगा कॉमन रेशो आर है, ठीक है, इसका जैसे कॉमन डिफरेंस डी था उसका। फॉर्मूला इसका क्या है, सीक्वेंस का, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ए ए वन या ए आर एन माइनस वन। और फिर बाद में सीरीज का फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए इन टू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइड बाई वन माइनस आर, जबकि आर वन नहीं होना चाहिए, समझ लगी ना बात की, जबकि आर वन नहीं होना चाहिए। तो ये था आपके पास एक छोटा सा क्लिप ज्योमेट्रिक सीरीज के लिए, ठीक है, और उसकी सीक्वेंस के लिए, यू अंडरस्टैंड। आगे हम बात करते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अब छोटी सी एग्जाम्पल है आपके पास, एक आपको ज्योमेट्रिक सीरीज दी गई है, उसका आपने सम फाइंड आउट करना है, ठीक है, सारी सीरीज का। अब देखो करना क्या है, उसने 10 तक बात की हुई है कि ये आपके पास जो है ना 10 तक ये टर्म्स ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अब देखो जरा, सबसे पहले आपने करना क्या है, ए वन आपके पास पहली टर्म होगी, 6 आ गई, उसी तरह ही आपने आर निकालना है। आर मैंने कैसे निकाला हुआ है, थोड़ा सा ये इजी ऐसे निकालना, माइनस टू ओवर नाइन डिवाइडेड बाई टू ओवर थ्री इक्वल टू, ये वैसे लिखा रहने दो, नीचे से बटा ऊपर लेके जाओ उल्टा दो, ठीक है, तीन एकम तीन, तीन तीन नौ, तीन आ गया, दो के साथ दो कट गया, माइनस वन बाय थ्री, वन अपॉन थ्री आ गया, माइनस वन अपॉन थ्री, ठीक है। और कहाँ तक उसने बात की हुई थी, टेन टर्म्स, तो ये आपके पास एन आ गया, एन इज इक्वल टू टेन, ठीक है, तो ये लो जी एन इज इक्वल टू टेन आ गया, वी नो डैट। अब देखो लिमिट बताई हुई है, फाइनाइट है, फाइनाइट होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, फाइनाइट के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाय वन माइनस आर फॉर फाइनाइट, अगर लिमिट बताई गई हो सीरीज के, अगर यहाँ पे प्लस अप टू सोन इनफाइनाइट होता फिर ये फॉर्मूला लगना था, एस एन इज इक्वल टू ए ओवर वन माइनस आर, ठीक है, वन माइनस आर, याद रखिएगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ इनफाइनाइट, ठीक है ना, टर्म्स क्लियर है, याद रखिएगा। ये है आपके पास दोनों फॉर्मूलाज, और ये पेपर में पूछता है, ये फाइनाइट के लिए पूछ लेता है, वो ऑब्जेक्टिव में ये इनफाइनाइट के लिए पूछ लेता है, याद रखिएगा, याद करिएगा ध्यान से, लिख लिख के बार बार देखिएगा, और इस तरह की मैं एग्जांपल करवाता हूँ आपको इनफाइनाइट वाली आगे वाली, ठीक है ना। पहले ये सॉल्व करते हैं हम, इसमें आप वैल्यू पुट अप कर दोगे, ठीक है ना, पुटिंग वैल्यूज फॉर्मूले के अंदर, ठीक है, ये आपके पास फाइनाइट है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ही जगह पे सिक्स लगा दिया, वन माइनस आर की पावर आ जाएगी आपके पास, यहाँ देखो ना, वन माइनस आर की पावर एन है, तो आपके पास एन कितना है, टेन है, तो वन माइनस आर की पावर आ जाएगी कितनी, टेन, और ये इवन नंबर है, माइनस को खा जाएगा, हजम कर जाएगा, ठीक है ना, ख़त्म कर देगा, तो ये आएगा आपके पास वन की पावर, चाहे हंड्रेड आ जाए, जितनी मर्जी आ जाए, सिर्फ इन्फिनिटी के अलावा, तो आपके पास वो वन नहीं होता है, और थ्री की पावर टेन जो है ना वो एज इट इज़ वैसे लग कर लेनी है, ठीक है, समझ लगी बात की। और वन माइनस आर नीचे है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आएगा, तीन कम तीन, तीन और एक चार, चार बड़ा तीन आएगा। और ऊपर जो है ना आपके पीडीएफ में हैंडआउट्स के अंदर एक मिस्टेक है छोटी सी, उसने क्या किया है, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर दिया है, ये माइनस माइनस प्लस नहीं होती, माइनस अंदर ही ख़त्म हो जाएगा, तो ये माइनस एज इट इज़ साथ आपका चलता जाएगा फॉर्मूले वाला, ठीक है, समझ लगी। तो ये देखो जरा यहाँ तक पहुँच गए आप, अब आपने क्या करना है, फोर बाई थ्री है, फोर बाई थ्री को क्या कर देना है, थ्री बाई फोर कर देना है। अब देखो जरा, दो दो चार, दो तीन छः, ठीक है, दो दो चार, दो तीन छः कट हो गया। अब देखो जरा, तीन तीन नौ और बड़ा दो, तीन तीन नौ बटा दो, और ये एज इट इज सारे का सारा फैक्टर वैसे ही आ गया आपके पास, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये था आपके पास सम किसके लिए, टेन टर्म्स, मतलब के फाइनाइट के लिए। अब हम बात करेंगे इनफाइनाइट की, अब इनफाइनाइट के लिए हमने ये फॉर्मूला चूज़ करना है, ठीक है, इनफाइनाइट के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर हम देखेंगे, मोस्टली ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मूले फॉर्मूलाज वो पूछेगा ज़रूर आपसे,
कि इनफाइनाइट के लिए कौन सा यूज़ करते हैं और इनफाइनाइट के लिए कौन सा करते हैं। फाइनाइट इनफाइनाइट में फ़र्क है, ठीक है। लामहदूद महदूद, फाइनाइट महदूद, इनफाइनाइट लामहदूद, ठीक है। जहाँ तक आपकी लिमिट आ जाए वो आपके पास फाइनाइट आए, जिस लिमिट ना आए अप टू सो ऑन प्लस चलती रहें वो आपके पास इनफाइनाइट है, मतलब इन्फिनिटी है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स कैसे हो, ठीक हो? अब हम इनफाइनाइट जियोमेट्रिक सीरीज़ के जो है ना सम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए सबसे पहले ए चूज़ कर लो, फिर आप रेशो निकाल लो, 3/2 ऊपर रखो, डिवाइड बाई 9/4 कर दो, ठीक है। सब कैंसिल आउट करोगे ना जब, अब देखो बड़ा ऊपर जाके उल्ट जाएगा, 9/4 है तो 4/9 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 9 3 आ गया, और 2 2 2 2 4 2/3 आ गया, ठीक है। आर की वैल्यू आ गया, वी नो डैट। अब देखो ज़रा इनफाइनाइट है तो उसके लिए फॉर्मूला ये लग जाएगा, एस इक्वल टू a/(a)(1-r), ठीक है। अब ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं नोट पे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये ना मोस्टली ऑब्जेक्टिव में इस तरह पूछता है, देखो ज़रा, व्हेन r less than 1 और फाइनाइट भी हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, एस एन इक्वल टू a((1-r)) जो कि हम पीछे करके आए हैं, ठीक है। फॉर इनफाइनाइट यही कंडीशन, r मोड में है, ठीक है, लेस देन वन, तो फिर आपके पास a/(1-r) लगेगा जो हमने अभी लगाना है, ठीक है। अब व्हेन r > 1 तो शफलिंग कर देनी है नीचे, बटे के नीचे और ऊपर भी, r की और 1 की शफलिंग कर देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना, ऐसे याद रख लो। ये देखो ज़रा, ये फाइनाइट के लिए a(r), पहले आ गया और 1 बाद में, ये लो, बटे के नीचे भी सेम ऐसे ही, अब ये भी ऐसे ही, a/(r) पहले और 1 बाद में, ठीक है। समझ लगी बात की, ये कब r > 1 होगा, मतलब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, r की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है तो उसे आपने नेगेटिव ख़त्म करके मोड में पॉजिटिव कर देना है, तो फिर आपने बात करनी है। अगर तो r की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर भी ऊपर वाले लगने हैं दोनों फार्मूले, अगर ग्रेटर देन आपकी 1 है r की वैल्यू तो फिर ये नीचे वाले लगने हैं, यू अंडरस्टैंड। समझ लगी ना बात की, तो इसी तरह अब ये फॉर्मूला हम चूज़ करेंगे, ये वाला, क्योंकि हमारे पास r < 1 है, ये 2/3 करके देख लो, ओके, समझ लगी, क्लियर है। तो ये चीज़ हमने अच्छे से देखनी है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है वो जी। स्टूडेंट्स अब क्या करना है, आपने पुटिंग वैल्यूज़ कर देनी है फॉर्मूले के अंदर, देन आपने क्या करना है, देन आपने ये करना है कि a की जगह पर उसकी वैल्यू लगाओ 9/4, सिंप्लीफिकेशन करनी है, 1-r, r की वैल्यू 2/3 है, ठीक है। ये एलसीएम लो तो नीचे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 3-2/3, ऊपर वैसे ही एज इट इज आ जाएगा, और ये 1/3 आ जाएगा, ऊपर जाके बड़ा उल्ट जाएगा, 3/1 हो जाएगा, और ये हम दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कटिंग शटिंग कुछ नहीं हो रही, 27/4 आ रहा है, यू अंडरस्टैंड। अब अगर आप चाहते हैं कि इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिले, पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट मिले, ये पूरे का पूरा जितना भी हमने सीरीज़ का और सीक्वेंस का पढ़ा है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, अर्थमेटिक सीक्वेंस का, अर्थमेटिक सीरीज़ का, तो सारे का सारा जो कंसेप्ट है ना, चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर FSC में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक्सरसाइज में बता लेता हूँ, जहाँ पे उसने ज्योमेट्रिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की बात की है, और हूबहू यही क्वेश्चन वहाँ पर पढ़े हुए हैं, 6.8 चैप्टर नंबर 6 सीक्वेंस एंड सीरीज़ फर्स्ट ईयर FSC ICS, वहाँ पे लाहौर बोर्ड की बुक पे आप जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। थोड़े बहुत मैं लिख भी दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा, ओके, क्लियर है। और दूसरा मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ कि मैं यंग जनरेशन के लिए बात करने लगा हूँ कि मेहनत करें, अल्लाह ताला कभी ना कभी फल ज़रूर देता है, कभी ना कभी फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है। सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र से आप मेहनत करते रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। मुझे कोई नहीं जानने वाला था, अभी देख लें, इंशाल्लाह टारगेट है मेरा कि 2000+ जो है लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, और इंशाल्लाह ये करने भी हैं इंशाल्लाह। अभी ये अगर अपलोड हो जाएगा तो 382 जो है लेक्चर हमारे यूट्यूब पे आ जाएंगे, यू अंडरस्टैंड इंशाल्लाह। अब आगे देखते हैं, अब मैं लिखवाता हूँ क्वेश्चन वो वाले। आपने क्या करना है, फाइंड कॉमन फ्रैक्शन करनी है आपने। सबसे पहले ये देखें ज़रा, कॉमन फ्रैक्शन आपने कैसे करनी है कि 2-3 तरीके हैं आपके पास। नंबर 1, आपने सम ऑफ सीरीज़ कर लें इनफाइनाइट का, और दूसरा क्लास 9th में ना चैप्टर नंबर टू में 2.1 है ना, 2.1 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 2.1 क्लास साइंस ग्रुप 9th, ठीक है, क्लास 9th, और इसमें आपके पास है क्वेश्चन नंबर
वहाँ पे है 6, वहाँ पे आपको दिया गया है 0.5 के ऊपर बार लगी होगी, बार लगा लें या लगा लें इसके ऊपर डॉट, एक ही बात है। फिर 0.63 होगा उसके ऊपर बार लगी होगी, 0.23 होगा उसके ऊपर बार लगी होगी, और 0.3 होगा उसके ऊपर बार लगी होगी, यहाँ डॉट लगा होगा, समझ लगी ना, मतलब वहाँ पे बार लगी हुई है। तो यहाँ पे आपके पास डॉट है और यहाँ पे आपके पीडीएफ में उसने बिल्कुल वैसे बता दिया है, ठीक है ना, अपनी वर्डिंग में, तो ये याद रखिएगा। देखें ज़रा, सबसे पहले देखें ज़रा, फाइंड कॉमन फ्रैक्शन फॉर द रिकरिंग, रिकरिंग ये जो बार लगी हुई है ना और ये डॉट लग रहे हैं, ये रिकरिंग है। रिकरिंग ये होता है कि आपके पास जो नंबर आ गया ना 0.5 है, इसके ऊपर अगर बार लगी है, डॉट लगा है, रिकरिंग रिपीट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये रिपीट 0.5555555555, 0.3 के ऊपर बार लगी हुई है, 0.33333333, समझ लगी ना बात की। तो ये जो नंबर होते हैं ना आपके पास, जो रिपीटेड नंबर होते हैं, वो होते हैं रैशनल, क्या होते हैं, नातक। वहाँ पे क्लास 9th में उन्होंने लिखा होगा कि आप ना इस डेसिमल को ना रैशनल में कन्वर्ट करो, समझ लगी ना, तो ये आपने देखना है। चलिए इसमें देखें ज़रा, आपको कौन सा नंबर दिया गया, 0.81, तो इसका मतलब ये पेपर में ऐसे भी दे सकता है, 0.81 को आप यहाँ इस तरह डॉट लगा के, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम डिस्कस करते हैं, तफसीलन पढ़ते हैं, और ये एग्जांपल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। अच्छा जी, अब समय लगी ना सारी। अब देखें ज़रा, सबसे पहले क्या करना है कि 0.81 के ऊपर बार लगी है, गिवन ये है हमारे पास, तो 0.81 जितने मर्ज़ी लिख लें, इनफाइनाइट हैं, ठीक है। तो देन याद रखिएगा कि यूनिट 10,000, ठीक है ना, तो ये जो है ना अपने माइंड में लेके आना है, यूनिट 10,000 वाला कॉन्सेप्ट, मतलब काई दाई सैकड़ा दार दस हज़ार लख वाला, ठीक है ना, छोटे बच्चे ये पढ़ते होते थे। देखो ज़रा, सबसे पहले 0.81 है, अगर 0.81 को वैसे लिखा तो ये यूनिट होता है, ये क्या होता है, यूनिट। तो यूनिट में आपके पास पॉइंट के बाद, देखो ज़रा, पॉइंट के बाद आपके पास, मतलब ये पॉइंट है ये वाला, तो पॉइंट में समझ लो आपके पास यहाँ पे वन पड़ा हुआ है, यहाँ पे वन है, तो समझ लो कि ये जो ज़ीरो इधर छोड़ा है ना, ये वाला ज़ीरो है ना, ये ज़ीरो, ये आपका 10 बनाएगा, ऐसे, मतलब ऐसे आपने कंसेप्ट, मैंने ये बनाया अपने पास से, ठीक है ना, ये मेरा अपना ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब देखो ज़रा, ये 10, अब आगे क्या होना चाहिए, 100 इसका होना चाहिए, तो ये देखो ज़रा इसका यहाँ पे अब क्या बनेगा, ये ज़ीरो का डबल करना है, ज़ीरो का क्या करना है, डबल, क्योंकि देखो बाय कंसेप्चुअल अगर हम देखें ना, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है 1, 2, 4 डबल डबल होता जा रहा है, डबल डबल होता जाएगा ना, तो वो जियोमेट्रिक सीरीज सीक्वेंस बन जाती है, समझ लगी ना बात की, जियोमेट्रिक। तो ये भी जियोमेट्रिक ही हमने करके फिर इसे सॉल्व करना है, समझ लगी। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या करना है, 0.81 यहाँ पे एक ज़ीरो है, ठीक है ना, यहाँ पे मतलब के एक भी एक ज़ीरो है, ठीक है, तो 0.+0.00 आ गए, फिर 40 आ जाएंगे, ठीक है, 0.40 डबल डबल होते जा रहे हैं, समझ लगी ना, मल्टीपल होते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ज़ीरो आपने डबल करते जाना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे एक ज़ीरो था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे समझ लो एक ज़ीरो था आपके पास यहाँ पे, ठीक है, एक ज़ीरो, फिर डबल हो गए, फिर उसी के डबल के 4 हो गए, ठीक है, समझ लगी ना बात की। तो ये आपके पास एक सीरीज डिफाइन होगी, ये मैंने नीचे उसकी एग्जांपल बनाई हुई है कि डबल नंबर कैसे बनते हैं, ठीक है ना, तो डबल नंबर बनेंगे तो आपके पास जियोमेट्रिक सीक्वेंस बनेगी ना, समझ लगी बात की। तो सीक्वेंस के दरमियान में प्लस है, तो आपके पास वो बन जाएगी, क्या कहते हैं, जियोमेट्रिक सीरीज। अब देखो, पहले हो जाएगी ए, दूसरी हो जाएगी आपके पास कॉमन रेशियो निकालनी है, तो इसे डिवाइड करना है इस पे, ठीक है ना, तो 0.8 पे डिवाइड कर दें इसे, आपके पास 0.01 आएगा, 0.01, ठीक है। तो आपने फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है, इनफाइनाइट है, देख लें ज़रा, ये इनफाइनाइट है, एस इन्फिनिटी इक्वल टू ए ओवर 1 - r, ये अकेला आप सम भी लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, ठीक है, सिंपल ही, इन्फिनिटी ना भी लिखो, कोई मसला नहीं है। वैल्यू पुट की 1 - 0.01 किया तो 0.99 आया। अब आपको उसने कहा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, किस में, कॉमन फ्रैक्शन में, ठीक है ना। तो अब आपको पता है ना कि अपने पॉइंट ख़त्म करना है, तो इसकी जगह में भी जीरो आ जाएगा, इसकी जगह में जीरो आ जाएगा, और जिसके में वन आ जाएगा, तो 81/100 इस 99/100, 100 और 100 कट जाएंगे, तो देन ये भी आप इसमें कट जाएंगे, तो ये कैसे होंगे, 9 पे कटेंगे, 9, 9, 81 और 9, 11, 99, 9/11 आ गया, समझ लगी ना बात की। ये एग्जांपल्स आपने खुद करनी है, ये एग्जांपल देख लो, सिंपल सी एग्जांपल, आई थिंक ये रिपीट भी हुई है, ये आपके पीडीएफ में भी है, और ये इनफाइनाइट है, ठीक है, और ये देखो ज़रा, ये भी इनफाइनाइट है, और ये देखो, ये रिकरिंग है,
ये भी रिकरिंग और ये भी रिकरिंग है, ऊपर पॉइंट्स लिखे हुए हैं ठीक है ना, और ये 6.8 फर्स्ट ईयर की बुक्स मैं लेके आया हूँ। आपके पास इंपॉर्टेंट सम्स हैं मोस्टली, ये पेपर में क्विज़ में पूछता है ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये कह लेता है कि आप इसका फॉर्मूला लिखें ये किसके बराबर होगा, कभी वो एक्सपेंशन पूछ लेता है, कभी एक्सपेंशन देके सम पूछ लेता है ठीक है, तो आपने ये सारा देखना है ठीक है। अब देखो करना क्या, सबसे पहले आपने देखना है जी आपके पास से सारी काउंटिंग है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एन तक, उसका अगर सम लिया जाए, ये के पे उसने बाउंड कर दिया, के इक्वल टू 1 से लेकर एन तक, के इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये हमने किया भी था, ये हमने प्रूव भी किया है ठीक है, समझ लगे ना अर्थमेटिक सीरीज के अंदर। अब देखो इसका मतलब ये होता है कि आप के पास कितने नंबर हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास हैं जी 1 से लेकर अप टू 20 तक, तो लास्ट वाला नंबर कौन सा 20 है, एन इज इक्वल टू 20 पुट कर लो, एंड एंड पे क्या नंबर है एन इज इक्वल टू 20, 20 यहाँ पे पुट करो कितना आएगा 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये कट करो कितना आएगा आपके पास, ये आएगा 10 और ये आएगा आपके पास 21, तो ये 210 आएगा। इसका मतलब है कि एक से लेकर अगर 20 तक जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे प्लस करोगे ना तो आपके पास 210 आएगा उसका आंसर, समझ लगी ना बात की। इसी तरह ही अगर आपके पास वो कहता है कि स्केयर 1 से लेकर आपने 3 नंबर जो है ना वो ऐसे लें उनके स्केयर प्लस करें, उनके स्केयर प्लस करें, तो आपके पास ये 1 का स्केयर 1 आएगा, 2 का स्केयर 4 आएगा, 3 का स्केयर 9 आएगा, तो ये हो गया जी आपके पास 14 आएगा, कितना आएगा 14। अब चेक करें बाय फॉर्मूला 14 आता है कि नहीं आता, चलो 3 लगाओ यहाँ पे, 3 लगा दो, 3 जमा 1, 3 2 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 6 ठीक है, डिवाइडेड बाय 6, 3 इंटू ये 4 और ये 7 डिवाइडेड बाय 6 ठीक है। अब देखो ज़रा डिवाइडेड बाय 6, अब देखो 3 × 3 ठीक है, 3 2 6 देखो 2 × 7 14 7 ये लो समझ लगी ना बात की। इस तरह आपने ये चेक करना है, इसी तरह आप स्केयर वाले भी चेक कर सकते हो, स्केयर वाले भी चेक करते हैं आपको पता चल जाएगा कैसे है ठीक है। चलें जी स्केयर वाले तो चेक कर लिए ना, अब क्यूब वाले ठीक है ना, अब क्यूब वाले चेक करते हैं क्यूब वाले कैसे हैं। अब क्यूब वाले नंबर चेक करो, 1 का क्यूब 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 3 का क्यूब 27 होगा, तो ये टोटल मिला के कितना बन जाएगा जी आपके पास, ये आएगा आपके पास 9 है, तो ये आएगा आपके पास 9 और 27, 9 और 27 कितना हो जाएगा 36 ठीक है, 36 आना चाहिए अगर आप 3 तक अप्रोच लेते हो तो 3 ऐड करना आपने जी इसमें पुट करना है, करें ज़रा यहाँ पर मैं लगाया 3 और 3 जमा 1 बटा आ गया 2, ओवरऑल का स्केयर आ गया, तो देखो ज़रा क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा 3 आ गया शुरू में ऐसे ही है, ये होगा 4 डिवाइड बाय 2 है, 2 2 4 तो 2 3 6 ओवरऑल ऊपर स्केयर है तो 6 का स्केयर हो जाएगा 36 ये लो ओके क्लियर है। तो ये इस तरह कोई भी नंबर का आप निकाल सकते हो सम, कि वो कह दे अगर आप जी 1 से लेकर 10 तक के क्यूब का सम निकालें फर्स्ट नेचुरल नंबर अप टू 10 ठीक है, 10 तक का क्यूब निकालो, उनके सम निकालो क्यूब करके, तो फिर आपने क्या करना है इनकी जगह पे 10 पुट कर देना है इस फॉर्मूले के अंदर, तो आपके पास उसका जो ना आंसर डायरेक्ट निकल आएगा, और ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है, रुको ज़रा सब्र करो ये कोई मजाक नहीं है, ये अच्छे से करिएगा क्योंकि ये शॉर्ट में पूछना उसने और उसके बाद उसने ना ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछना है, तो फिर बाद में वहाँ पर आप मुँह उठा के देखते होंगे बैठे होंगे यार ये क्या हो गया, तो ध्यान से मेहरबानी आपकी ठीक है, अच्छे से करिएगा क्योंकि मुझे तो पता मेरा एक्सपीरियंस है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मेरा पढ़ा पढ़ा के बड़ा एक्सपीरियंस है ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन उसने पूछने हैं आपसे। सम करना है फाइंड, आपने क्या करना है सम फाइंड करना है, और जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी ना सम के पीछे सिंपल नंबर की स्केयर की क्यूब की वो इस्तेमाल करते हुए आपने ये सम फाइंड आउट करना है ठीक है, और कोई भी इस तरह का अगर आपको क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है तो आप इस तरह सम फाइंड आउट कर सकते हो ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा ये वाला और ध्यान से करिएगा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला ओके। उसको करना क्या सबसे पहले लिख देना आपने लेट टी के बी द kth टर्म देन, पॉइंट से पहले पहले नंबर कौन से हैं 1 5 9 ये उठा लो 1 5 9 अप टू 7 a1 d यहाँ से निकाल लो कॉमन डिफरेंस क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है और n इज इक्वल टू n कर लो ओके n इज इक्वल टू n कर लो।
अब फार्मूला लगाओ सीक्वेंस का, ठीक है, ए एन अर्थमेटिक सीक्वेंस का, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। यहाँ से आप वैल्यू पुट अप करो, किस किस की, ए की, ए वन की और डी की, तो आपके पास फाइनल ये आएगा 4 एन माइनस 3। देन पॉइंट के बाद वाले नंबर कौन से हैं, 5 11 17 5 11 17। यहाँ से भी ऐसे करो, ए वन की वैल्यू निकालो, डी की निकालो और एन इक्वल टू एन आ जाएगा। सेम वही फॉर्मूला लगाओ, सेम फॉर्मूला लगा के आपके पास ये बनेगा 6 एन माइनस 1। अब देखें, गौर करें, बेसिकली ये मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट्स नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट्स नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो क्या हो रही है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं ये मल्टीप्लाई, तो आपने तो कह दिया के टी के बी द के स्ट्रम्स, देन फिर क्या करना पड़ेगा, आपने इनकी एन स्ट्रम्स निकालनी है, क्या निकालनी है, एन स्ट्रम्स, इनको मल्टीप्लाई करो। अब क्या करो, मल्टीप्लाई दोनों आंस जो आ गए ना इनको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ये भी मल्टीप्लाई 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 मल्टीप्लाई, ठीक है ना, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो देन क्या होगा, टी के फर्स्ट टर्म की एन स्ट्रम मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म की एन स्ट्रम मल्टीप्लाई कर देनी है, क्या कर देनी है, मल्टीप्लाई जब करेंगे ना तो देखो जरा 24 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 18 एन प्लस 3 आ जाएगा, और 24 एन स्क्वायर माइनस 22 एन प्लस 3, ये आपके पास आंसर आएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसके ऊपर सम अप्लाई करना है, ठीक है। तो सम कैसे करेंगे आपको पता चल जाएगा जी। आगे हम करेंगे सम, एस के का नाम दे देंगे हम पूरी सीरीज को, और टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस अप टू सोन प्लस टी एन, तो ये सब किसके इक्वल है, आपके पास सम ऑफ के वन से लेकर एन तक टी के, ठीक है, समझ लगी ना बात की, क्योंकि आप वेरिएशन करवाओ तो आपके पास यही आएगा ना, सम करोगे तो ये आएगा आपके पास, ठीक है ना, के वन से लेकर एन तक, के की जगह वन लगाओ ये आएगा, फिर टू लगाओ, सम का मतलब प्लस है, तो आपके पास टी एन आ जाएगा, ओके। अब क्या करना है, टी के की वैल्यू लगा दो, सम अप्लाई कर दो सबका अलग अलग, ये कॉन्स्टेंट स्टार्ट पर चला गया, कॉन्स्टेंट स्टार्ट पर चला गया और ये कॉन्स्टेंट है, वैसे रह जाएगा ये, ठीक है। अब क्या करना है, ये फॉर्मूला याद करो, इंपॉर्टेंट सम जो मैंने आपको बताए थे स्केयर के लिए, तो वो क्या था, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, और ये 24 वैसे ही बाहर आ जाएगा। आगे वाला सिंपल काउंटिंग है आपकी नेचुरल नंबर की, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला था, माइनस 22 बाहर वैसे आ जाएगा, और ये कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट का हमने ये पढ़ा था कि जो सम होता है ना, सम आपके पास i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक है कॉन्स्टेंट, तो आपके पास एन सी आ जाता है, ठीक है ना, तो एन सी, एन आपके पास वहाँ पे आपका क्या है, एन 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 ही है ना, एन थ्री एन हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3n, ओके, समझ लगी बात की। और 6 एकम 6 6 4 24 और 2 एकम 2 11 आपके कटिंग हो जाएगा, ठीक है ना, 22 कट हो गए, 11 आ जाएगा, ओके। अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करने से पहले आपने क्या करना है, n को अंदर मल्टीप्लाई करो, एन स्केयर प्लस एन, अभी ये वैसे रह गया, ये भी वैसे रह गया, एन को अंदर मल्टीप्लाई करो एन स्केयर प्लस वन, ठीक है। अब 4 को अभी नहीं मल्टीप्लाई करना, अभी भी आप एन स्केयर को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 एन क्यूब हो जाएगा प्लस एन स्केयर हो जाएगा, और 2 एन स्केयर हो जाएगा प्लस एन हो जाएगा, माइनस 11 एन स्केयर माइनस 11 एन प्लस 3 एन हो जाएगा, समझ लगी ना बात की। आगे मैं करवाता हूँ आपको कैसे करना है ये बोला। अच्छा जी, आगे देखो जरा, सिंपल सा काम है, आपने करना क्या है, अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 8 और ये भी 4n हो जाएगा, और एज इट इज़ माइनस 11 को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस 11 एन स्केयर माइनस 11 एन प्लस 3n वैसे हो जाएगा। अब क्या करना है, ये क्यूब वाली एक ही टर्म है, स्टार्ट पे वैसे लिख देना 4n और 8 12 12 में से माइनस 11 करो 1n स्केयर, ठीक है, उसके बाद 4n प्लस 3n 7 होगा, 7 माइनस 11 माइनस 4n, ठीक है, और सब में से n कॉमन आ रहा है, n कॉमन निकाल लिया, 8n स्केयर प्लस n माइनस 4 आ गया, यू अंडरस्टैंड, समझ लगी ना, सिंपल सा ये काम किया। इंशाल्लाह इसी तरह ही हम करते रहेंगे, अब लेक्चर नंबर 21 में इंशाल्लाह मिलेंगे, और इसी तरह ही लेक्चर नंबर 22 में भी, और लेक्चर नंबर 22 कंप्लीट करके ना फिर इंशाल्लाह एमटीएच 401 जो है ना वो पकड़ लेंगे। दुआ में याद रखिएगा, हमारे लिंक ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत करके ये देख लें, बहुत मेहनत करके आपके लिए काम किया जाता है, लाइक कमेंट बूस्ट अप करते हैं, जज्बा देते हैं, पैशन देते हैं काम करने का,
सिर्फ यही तो चीज़ें आपसे मांगते हैं, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने जूनियर्स को, अपने क्लास फेलोज़ को, अपने मेट्स को, जितने भी आपके यूनिवर्सिटी मेट्स हैं सबको रिकमेंड करें हमारे चैनल के बारे में। इससे क्या है, हमें हौसला मिलता है, हमें काम करने का और ज़्यादा जज्बा आता है, पैशन आता है कि हमने काम करना है। और इंशाल्लाह जो है ना, डे बाय डे हम इंशाल्लाह अपने प्लेटफॉर्म को इम्प्रूव कर रहे हैं सिर्फ आपके लिए। बस दो में याद रखिएगा, मिलेंगे इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 21 में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।